नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है ना, वो मेरे पास इस बारे में कमेंट आ रहे थे कि मैम अप्रैल में हम नर्सरी से कौन कौन से पौधे ला सकते हैं जो कि हमारे गार्डन में हमेशा ही बने रहे और दूसरा फ्लावरिंग भी उन पे खूब बढ़िया हो। तो सबसे पहले तो भाई फूलों का राजा गुलाब ही है। और दोस्तों गुलाब कोई देसी नहीं, देसी में भी अब इतनी वैरायटी आ गई है, अच्छे अच्छे कलर आ गए हैं जो कि हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छे से टिक सकते हैं। और जो हमारे यहाँ अब आने वाली गर्मी है वो पड़ेगी तो उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी आ गई है, कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या हाइब्रिड आप लगाना चाहते हो और लगा नहीं सकते गर्मियों में, तो देसी में भी अपने जो अपने वेदर के हिसाब से सेट हो जाती है ना, तो बहुत सारी वैरायटी है वो भी आप बड़े आराम से लाके लगा सकते हो। और इस टाइम भाई गुलाब पे खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा पता भी लग जाएगा कि कौन से कलर का गुलाब आपको लेना है। और माली से तो फिर डिस्कस कर ही लेना कि कौन से चल जाएंगे अपने यहाँ। और सेकेंड है भाई हिबिस्कस की भी खूब सारी वेरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। और मैं यही पौधे बता रही हूँ दोस्तों जो कि अब आने वाले मौसम के हिसाब से ना बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, आपके घर में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और सारे वही पौधे हैं जो अच्छी खासी धूप और गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे। तो हिबिस्कस में भी बहुत सारी वेरायटी आपको मिल जाएंगी। एक व्हाइट वेरायटी है, वेरीगेटेड है, सिंगल पेटल है, मल्टी पेटल है, डबल पेटल है, बहुत सारे वेरायटी के साथ आपको शेड भी इसके मिल जाएंगे। तो कटिंग से जिसको नहीं उगाना आता भी, वो तो देखो नर्सरी की तरफ जाएगा, अपना शौक तो पूरा करेगा ही करेगा। लेकिन साथ साथ भाई आपको देखो ये चीजें भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, नर्सरी से आप ये पौधे जरूर ले आओ अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि दोस्तों फूलों के बिना तो देखो होम गार्डन बिल्कुल अधूरा है। वो अलग बात है डेकोरेशन के लिए हम लगाते रहते हैं, लेकिन जब तक घर में फूल ना खिले ना अच्छा नहीं लगता। तो ये फूलों वाले पौधे हैं जो आप पूछ रहे थे। और डेकोरेशन वाले भी मैं बताती रहती हूँ आपको, जो मैंने खुद भी इंडोर रखे हुए हैं। और कल परसों की वीडियो में भी शायद मैंने दिखाया था, छोटे छोटे प्लांटर्स भी दिखाए थे अपने, उसमें लगे हुए डेकोरेटिव प्लांट्स भी दिखाए थे, वो अलग चीज है। लेकिन फूलों की बात ही अलग है। और थर्ड प्लांट है भी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस पे जब फूल खिलते हैं ना वाकई में ही मतलब इतनी खुशी सी मिलती है देख के। एक तो येलो कलर है, वो वैसे ही प्रसन्नता का प्रतीक है, हैप्पीनेस का साइन है, तो ये तो आपको जरूर लगाने चाहिए। और इसमें भी शायद एक दो कलर आते हैं शायद, मुझे पक्का नहीं पता, शायद इसमें एक पर्पल कलर आता है, अगर आपको पता है तो आप बताना, शायद मैंने देखा भी हो, पक्का मुझे भी नहीं पता, तो जिसने देखा है ना वो बताना कि मैं सही हूं या नहीं आता। तो येलो तो कलर भी मेरे पास है भी, इसकी कटिंग भी मैंने खूब लगा रखी है और इस पे फ्लावरिंग भी खूब हो रही है, तो ये भी आपको जरूर लेना चाहिए। और सारे के सारे प्लांट दोस्तों आप क्यारी में भी लगा सकते हो और गमलों में भी लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हो। और अगर आप बालकनी वगैरह में भी रखना चाहो तो भी ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है भाई सुंदर उपा के प्लांट, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, सुंदर उपा जैसा कि इसका नाम ही है। और ये प्लांट दोस्तों गमले में भी बहुत सुंदर चलते हैं, चलने के साथ साथ इस पे फूलों के जब ये गुच्छे बनते हैं तो और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इसके जो प्लांट की शेप और टेक्सचर है ना वो बहुत खूबसूरत निखर के आती है, जिसके कि ये प्लांट भी जिसमें भी लगे हुए हो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे ये क्यारी में लगे हुए हो या फिर आपके गमले में लगे हुए हो। और सबकी अगर आप रेगुलर कटाई छटाई करते हो तो अच्छे लगते ही लगते हैं, तो ये भी आपको जरूर लाना चाहिए सुंदर उपा का प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो। तो इसको भी आप नर्सरी से जरूर लेके आना, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। और कहने को तो दोस्तों बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे, शायद मैं जो बता रही हूँ उससे भी ज्यादा आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, आप अपनी पसंद से भी लेके आओगे। लेकिन एक वीडियो बनाने के पर्पज से जो मैं एक आइडिया दे सकती हूँ, चलो वो तो आपको बताई रही हूँ, और जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हो गए कि आप तो नर्सरी में भी चले जाओ और भी दुनिया भर के पौधे उठा लो। और ये है भाई रात की रानी का, जिसपे कि मैंने वीडियो बनाया भी था। और इसी तरह के दोस्तों और भी हमारे पास व्हाइट फूलों वाले पौधे हैं जो सुगंध वाले हैं, मोगरा के अगर आपके पास नहीं है, मोगरा की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, बेल वाली भी आती है, झाड़ से वाली भी आती है, ड्वार्फ वेरायटी भी आती है, बहुत सारी आती है मोगरा की भी, वो भी आप ले सकते हो। रात की रानी है ये, रात की रानी की भी आप प्लांट ले सकते हो, दिन का राजा आता है उसका भी ले सकते हो, चांदनी आती है व्हाइट कलर में दुनिया भर की मतलब वैरायटी में,
तो वो भी आप अलग अलग ले सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया ही दे रही हूँ। और भाई और कौन से आते हैं व्हाइट में, व्हाइट में आप देख लेना वहां जाके भी, बहुत सारी वेराइटीज आती है व्हाइट में। तो अगर ये भी आप लगाना चाहो तो भी आप ले सकते हो। जूही की बेल भी आती है व्हाइट फूलों वाली, खुशबू बहुत होती है उसमें, वो भी आप ले सकते हो। तो ये भी अगर आप नर्सरी जा रहे हो तो जरूर लेना। और कटिंग लगानी तो भाई मैंने देखो सिखाई रखी है आपको इन सब पौधों की। तो जिसको कटिंग लगानी अभी नहीं आती, सिर्फ नर्सरी जा रहे हो, तो इन पौधों की वैरायटी भी आप घर में लगाओ, हमेशा ही ये पौधे बने रहते हैं। और फिर धीरे धीरे आप वीडियोस के जरिए सीखते रहो कटिंग लगाना, तो फिर आप तो एक एक प्लांट के कई कई प्लांट बना लोगे। लेकिन शुरुआत में तो नर्सरी से देखो लेके ही आओगे। तो ये प्लांट आपको जरूर लाने भी चाहिए, लगाने भी चाहिए, और ये अपने होम गार्डन के लिए तो बहुत खूबसूरत प्लांट लगते हैं। और सभी जमीन में भी चल जाते हैं, पॉट में भी चल जाते हैं, और कोई इतनी ज्यादा केयर भी नहीं मांगते ये। वो तो जिसको शौक होता है ना भाई पौधों का, वो फिर बड़ा ध्यान रखता है पौधों पे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, हाँ पौधे जिनको अच्छे लगते हैं अपने आसपास, तो वो तो बिल्कुल ले आए। बिल्कुल रफ एंड टफ प्लांट है ये, और गर्मी में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और नेक्स्ट है भाई, अगर आपको नर्सरी में देखो बल्ब मिल जाते हैं ना किसी भी चीज के, चाहे लिली की किसी भी वैरायटी के बल्ब हो, रेन लिली के हो, ये जैसे अमरायलिस लिली पे भी कल मैंने वीडियो बनाया था, रेन लिली की भी बहुत सारे कलर के वेरिएशन आते हैं, अमरायलिस लिली के बहुत सारे कलर आते हैं, और भी बहुत सारी लिली की वेराइटीज हैं, तो उनको भी आप लाके देखो लगा सकते हो। तो ये भी आप लेके आओ और लगाओ इन बल्ब को। इनमें भी फूल उगे हुए सुंदर लगते हैं, लेकिन ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा आपके घर में ग्रीनरी बनाए रखेंगे। तो पूछ लेना ये भी नर्सरी वाले के पास किस किस चीज के बल्ब हैं, तो वो भी आप लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हो। और ये भी पूछ लेना किस सीजन में इनमें फूल आएंगे। तो भाई बल्ब की वैरायटी भी एक आपको जरूर रखनी चाहिए घर में, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस भी नहीं मांगते, और फूल भी इनपे खूब अच्छी खासी मात्रा में और अच्छे साइज के आते हैं। और लिली की वैरायटी के दोस्तों फूलों का जो रंग रूप है ना, वो देखो अलग ही होता है। और देखो ये गमले में लगे हुए हैं बिल्कुल, और खूब बढ़िया से फूल आ रहे हैं इसमें, ऐसी भी कोई बात नहीं, अभी गमले में फूल नहीं आएंगे। तो अगर बल्ब मिलते हैं तो ये भी आप जरूर नर्सरी से लेके आना। और नेक्स्ट है भाई आपके प्लांट, ये भी और भी मैंने बल्ब लगा रखे हैं जैसा कि आप देख ही रहे हो। और अगला पौधा है भाई आपका जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है भाई बोगनविला के प्लांट। तो बोगनविला की भी दोस्तों जो वैरायटी है ना, वो आप कटिंग के जरिए तो उगाई सकते हो। देखो मैं तो कटिंग से ही उगाती रहती हूँ, ये देखो कितनी अच्छी कटिंग चल रही है, और अब तो इस पे फूल भी आने लगे हैं। तो बोगनविला की भी अच्छी अच्छी अलग अलग शेड्स आप इकट्ठी कर सकते हो, बोगनविला में भी बहुत वेरायटी आती है। तो बस यही कुछ पौधे थे, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो तो आप जब नर्सरी में जाओगे ना तो भैया और भी सजेस्ट कर देंगे आपको। तो वीडियो जिसको यहां तक अच्छा लगा वो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।